हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा शेयर के ऊपर। आईआरबी इंफ्रा में आज हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक में और फर्दर भी गिरावट हुआ, बट लास्ट के सेशन में स्टॉक में जरूर नीचे के लेवल से बाइंग आया है। तो इसके पीछे का क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और फिर आगे कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और ट्विटर दोनों जगह का। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स और इसके साथ ही जो है डेली आपको और इम्पोर्टेंट चार्ट्स वगैरह भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज की अगर बात करेंगे, आज हम लोगों ने शेयर किया था RHIM का चार्ट। लाइव मार्केट में ये चार्ट मैंने शेयर किया था 10:39 पे, तभी स्टॉक में ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद स्टॉक में जो है हम लोगों को मोर देन 7% का एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। इंट्राडे में भी अगर बात करेंगे, मेरे चार्ट पोस्ट करने के बाद भी स्टॉक ने मोर देन 50 पॉइंट्स का एक अच्छा रैली दिया। तो लगातार जो है हम लोग इस टाइप के चार्ट पोस्ट करते रहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा शेयर के ऊपर। आईआरबी इंफ्रा शेयर जो है आज तकरीबन 10% नीचे क्लोज हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इंट्राडे में अगर बात करेंगे तो 13% नीचे तक स्टॉक ट्रेड किया, बट फाइनली जो है आपको तकरीबन 10% नीचे सेटल हुआ। तो गिरावट के पीछे सबसे बड़ा वजह था जो आज कंपनी में एक ब्लॉक डील हुआ है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ब्लॉक डील का इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने सेल किया है। ऑलमोस्ट 4% का स्टेक जो है प्रमोटर ने यहाँ पे सेल किया है। प्रमोटर यहाँ पे आईआरबी होल्डिंग के पास जो है 33.20% का स्टेक था एज ऑफ मार्च क्वार्टर 2024। यहाँ पे उन्होंने 4% का स्टेक सेल आउट किया है। इस वजह से जो है हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम लोग इस स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अब जो है कल के सेशन में मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा, स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक ने मोर देन 100% का रिटर्न यहां पे बना के दिया, एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023। उसके बाद जो है लगातार स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट में एक निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना है, अभी ये फॉर्मेशन कंफर्म नहीं किया है, यानी ये फॉर्मेशन जो है निगेटिव होगा या साइडवेज जाएगा, ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब स्टॉक 50 रुपीज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक अच्छा तेजी हुआ, पुल बैक हुआ, वापस से स्टॉक एक अच्छा तेजी किया, अब स्लो एंड स्टडी यहाँ पे हम लोगों को, अगर ये लो ब्रेकडाउन होता है 60 रुपीज का लो ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक जो है फर्दर आपको 50 रुपीज के लेवल तक जा सकता है, और 50 रुपीज का लो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 40-30 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर आपके पास एक अच्छा पोजीशन है, ऑलरेडी आप 100% के प्रॉफिट में है, तो पार्शियल प्रॉफिट अगर बुक कर लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी जो है स्टॉक यहाँ पे अगर नीचे की साइड ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है तो फिर जो है स्टॉक में हम लोग और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 60 रुपीज एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 60 के नीचे डेफिनेटली जो है फर्दर हम लोगों को 20-30% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है फिलिप्स कार्बन। PCBL शेयर में एक अच्छा गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिला, बट लास्ट में जो है ऑलमोस्ट 320 पे स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक किया और फाइनली स्टॉक जो है 0.39% के गिरावट के साथ क्लोज दिया है। अगर हम लोग लास्ट वन मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 10% नीचे ट्रेड कर रहा है और लास्ट वन मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इस स्टॉक में भी अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बात करेंगे तो एक निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस बात को समझते हैं। इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेवल था
150 हम लोगों ने ट्विटर हैंडल टेलीग्राम दोनों ही जगह पोस्ट किया था, आप जाके प्रीवियसली देख भी सकते हैं। स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से एक अच्छा तेजी हुआ। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग लो के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस चार्ट को अगर वीकली बेसिस पे देखते हैं तो क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल नीचे की साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि कल के सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पे 235 236 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, कुछ इस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन अगर हम लोगों को मिलता है, तो स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक 200 के लेवल तक नीचे की साइड जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे 240 के लेवल को सस्टेन कर जाता है, 235 के लेवल को सस्टेन कर जाता है, जैसा कि इससे पहले देखने को मिला था, तो फिर हम लोगों को स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। तो स्टॉक जो है काफी डिसीजेबल लेवल पे खड़ा है। अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है 235 236 के नीचे, तो फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक जो है नीचे की साइड में 200 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, और अगर स्टॉक यहाँ पे 250 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर स्टॉक में हम लोगों को फर्दर एक अपसाइड तेजी देखने को मिल सकता है। तो अभी जिस कंडीशन में है, यहाँ पे आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। इन केस अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो भी पेशेंस रखना है, और आपके पास अगर ऑलरेडी स्टॉक है तो भी आपको पेशेंस रखना है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेरी रहता है जो सर मैंने ऊपर के लेवल पे बाई कर लिया है, 300 पे बाई कर लिया, 325 पे बाई कर लिया, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आपको भी तभी यहाँ पे अपने पोजीशन में ऐड करना चाहिए जब स्टॉक अप ट्रेंड का यहाँ पे सिग्नल देगा। सपोज यहाँ पे अगर आपने बाई कर लिया और स्टॉक ब्रेक डाउन दे देता है और नीचे गिरावट हो जाएगा, आपका लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर होगा जब स्टॉक अप ट्रेंड का सिग्नल देगा उसके बाद अगर बाइंग करेंगे तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा आपके फेवर में। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक का इंडस टावर। इंडस टावर के शेयर में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहां पे दिया था, लेकिन एक बात हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो स्टॉक ने ब्रेकआउट जरूर दिया है बट लगातार मोमेंटम किया है। लगातार मोमेंटम करने के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो या तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक जो है यहाँ पे और रिट्रेस बैक कर सकता है। अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट 1 to 2 मंथ जो है और यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को अगर मिले तो आपको घबराना नहीं है। स्टॉक जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, और एक बार अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी फर्दर तेजी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, पुल बैक लिया, वापस से एक अच्छा तेजी। अभी यहाँ पे अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है, और अगर यहाँ पे लो को ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि 325 के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है, तो स्टॉक में इस स्टॉक में भी फर्दर हम लोगों को 300 285 270 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में 350 375 400 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।